तो अगर आप बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करते टाइम जब भी आप पेमेंट की मेथड वहाँ पे ऐड होती है, तो ऐड होते टाइम दोस्तों वहाँ पे जो भी बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड है उसकी कार्ड यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे, तो वहाँ पे आपको सी वी वी नंबर पूछा जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये इशू आता है कि सी वी वी नंबर में आपको क्या देना है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि सी वी वी नंबर में आप क्या दे सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड में कोई भी यहाँ पे सी वी वी नंबर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए, वीडियो में पहली बार आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सा दोस्तों, मैं यहाँ पे देखो पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो साइड में आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पे। फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पे मैं आ चुका हूँ। आपको सिंपल सा करना कुछ नहीं है, कोई भी आपको प्रोडक्ट ले लेना है। यहाँ पे मैंने एक मोबाइल चॉइस किया है, पोको F4। ठीक, नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद आपको चेक करना है पहले कि ये बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड से हो सकेगा कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑल ऑफर्स एंड कूपन्स। आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद नो कॉस्ट ई एम आई ऑफर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई में दोस्तों यहाँ पे बजाज फिनसर्व का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना, ये टर्म्स कंडीशन आपको रीड कर लेना। तो सिंपल से इसको मैं पेमेंट करता हूँ, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, और दोस्तों यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन आएगा, तो आपको ईएमआई यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड। तो आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कितने महीने की आप यहाँ पे रखना चाहते हैं किस्त, वो आपको देना है। देन कंटिन्यू का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, मेरे में ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है, मैं आपको दूसरा ऐड करके बताऊंगा। यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना है, तो यहाँ पे मैं कार्ड नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे कार्ड नंबर डाला बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड का, आपको कार्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सी वी वी का जो ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ऑप्शन तो आ रहा है बट दोस्तों यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक हो रहा है बट दोस्तों सी वी वी क्लिक नहीं हो रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड में कोई भी सी वी वी नहीं होती है ना। अगर आप कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पर सी वी वी का ऑप्शन आ रहा है ना, और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन बार यहाँ पे स्टेप से कीजिए, जैसे आप कार्ड नंबर डालोगे ना, सी वी वी का ऑप्शन हट जाएगा, सीवीवी का ऑप्शन आपसे नहीं मांगेगा। बट आपको दोस्तों यहां पे अपना कार्ड नंबर देना है, वैलिड डेट देना, वैलिड आपको ईयर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड में विदाउट सी वी वी नंबर के कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। ठीक, अभी आपको पता चल गया होगा कि बजाज फिनसर्व ई एम आई कार्ड में कोई भी यहाँ पे सी वी वी नहीं होती है, तो आप यहाँ पे जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे सी वी वी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कार्ड नंबर एंटर करते हैं, सी वी वी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो जाता है, वहाँ पे आपको सी वी वी नंबर नहीं मांगता है। तो आई होप आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।